रमजान महीने के अंतिम जुम्मे की नमाज शुक्रवार को जिले भर के मस्जिदों में पढ़ी गई। शहर के जामा मस्जिद में हजारों की संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबियों और रोजेदारों ने जुम्मे की नमाज अदा की। इसके अलावा बेलाल मस्जिद, बंगले वाली मस्जिद, मोती मस्जिद, मस्जिद कुरैश, मस्जिद गौस ए पाक, ताजुल मुनीर, मस्जिद अतार, पावरगंज मस्जिद सहित अन्य मस्जिदों में लोगों ने जुम्मे की नमाज अदा कर अमन चैन की दुआ मांगी। आज अलविदा जुम्मा हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। ये अलविदा जुम्मा साल का आखिरी रमजान का आखिरी महीना में मनाया जाता है। इसमें हम लोग बच्चों को भी कह रहे हैं कि खुशी से मनाओ, और ये त्यौहार हम लोग इस रूप से मनाना चाह रहे हैं कि जैसे पहले 10 साल 20 साल पहले मुसलमानों के घर में सेवई नहीं होता था तो हिंदू भाई लोग पहुंचा दिया करते थे और मुबारकबाद दिया करते थे ईद का, और जो जिसका ईद होता था उसको गैर मैंने हिंदू लोग देते थे, और इस तरह हिंदुओं के त्यौहार में मुसलमान लोग उसको बधाई दिया करते थे त्यौहार का। इसी तरह हम लोग इस बार भी ईद को मनाने के लिए तैयारी किए हैं और पूरा जोश खरोश से मनाने के किए, और खुसूस बिलखुसूस इस बार हम लोग ऊपर वाला अल्लाह से दुआ किए हैं कि लोहरदगा और पूरे हिंदुस्तान में शांति रहे और भाईचारगे का पैगाम हम लोग देते हैं, मिलजुल कर रहना है तो हम लोग को शांति से रहना है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।